अलग सिंह लगातार जब से नई सरकार बनी है तब से पूरी तरह से एक्टिव है, अलग अलग जगह घूम करके लोगों को इस बात के लिए बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल के शासन में क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कैसे परेशान किया, अब नीतीश कुमार को काम नहीं करने दे रही थी। इन सारी बातों को लेकर के अब एक ललन सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलग होने को लेकर के है। ललन सिंह ने इस खुलासे में बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारे कागज पत्र दिखाए हैं। आपको बता दें कि वर्चुअली ललन सिंह ने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। उसे इस बात का एहसास होने लगा है कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। ललन सिंह ने अपनी बात रखते हुए पुराने कई रिकॉर्ड खोले हैं, यहाँ तक कि उन्होंने 2017 के रिकॉर्ड को बताते हुए स्पष्ट तरीके से कहा है कि बहुत बढ़िया सरकार चल रही थी महागठबंधन की। 2015 में भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन ने औकात में ला दिया था और एहसास करा दिया था कि नरेंद्र मोदी अपराजेय नहीं है। इसके साथ ही बिहार में उसके रथ को रोक करके तेजस्वी और नीतीश कुमार ने इस बात का एहसास करा दिया था कि आगे आने वाली राजनीति बहुत कठिन होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कई खेल किए, यहाँ तक कि IRCTC जो घोटाले का पर्दाफाश हुआ और उनके छुटभैया नेता रोज बैठ बैठ करके जिस तरह से खुलासे करते थे उसको लेकर के अंततः इस तरह का माहौल बना जिससे कि नीतीश कुमार जो कि जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर चलते हैं उन्हें कोई फैसला लेना पड़ा। लेकिन उस फैसले के लेने के बाद 5 साल हो गए, उस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और जो कहा जा रहा था कि तुरंत कुर्सी से हटते ही तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे अपने पिता की तरह, वो नहीं हो सका। हालांकि नीतीश कुमार ने भी इस बात को लेकर के जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर आप तेजस्वी यादव के साथ जिस कारण से गए थे वो कारण तो अभी मौजूद है, तो फिर आप वापस क्यों आए, तो नीतीश कुमार का कहना है कि इन 5 सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि महागठबंधन से 2017 में नीतीश कुमार का अलग कराने के लिए इसी नीयत से IRCTC का मामला उठाया गया था। यह मामला सिर्फ इस वजह से लाया गया था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग हो जाएं और NDA के साथ नीतीश कुमार चले आएं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में छुटभैया नेताओं ने अपमानित भी उन्हें किया और कई तरह की बातें भी सामने रखी। इसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है और वीडियो जारी करके उन्होंने अपनी बातें रखी है। कल भी हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया कि ललन सिंह लगातार जो बातें हो रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब अक्षरशः देने के लिए लगातार टिके हुए हैं। आपको बता दें ललन सिंह ने कहा है कि नौकरी के बदले जमीन मामले में 2008 से साक्ष्य नहीं मिलते हैं जिसके कारण CBI ने इस मामले को बंद कर दिया था 2014 में। अब तक केंद्र ने कोई NDA की जो सरकार आई है उसके बाद से इस मामले को फिर से उजागर किया जा रहा है, कौन सा काम कर रहे थे, वही 2022 में जब पुनः महागठबंधन की एक साथ आई सरकार तो फिर से इस मामले को उठाने की कोशिश की जा रही है। ललन सिंह ने साफ तरीके से कहा है कि इस पूरे मामले में कोई भी साक्ष्य नहीं है जिसके कारण तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद को जेल में जाना पड़ सकता है, ये पूरा ही मामला फर्जी है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2017 की तरह प्रयास कर रही है कि दोनों का संबंध समाप्त हो जाए। इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह के इस खुलासे के बाद देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब कैसे देती है। लेकिन इतना तो जरूर है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर के ललन सिंह इस बार पूरी तरह से सजग है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें आने नहीं देंगे। सब कुछ बदल गया है, बिहार बदला है, बिहार की राजनीति बदली है और बदल गए हैं ललन सिंह भी, जो कल तक लालू प्रसाद का जमकर विरोध करते थे आज उनके शान में कसीदे कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव के लिए वो पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए भी तैयार है, भिड़ने के लिए भी तैयार है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा चिंता होने लगी है। देखने वाली बात होगी कि क्या ये प्यार और अपनापन क्षणिक है या फिर लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि सीधे तौर पे ललन सिंह को इस बात का एहसास हो रहा है
और ललन सिंह इस बात को समझ भी रहे हैं, उनके मन में ये बात बैठ गई है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, और अगर ऐसा होता है नीतीश कुमार टक्कर दे देते हैं तो फिर ललन सिंह के लिए भी उनके दिन अच्छे आ जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अच्छे दिन किसके आते हैं, लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि जिस बॉन्डिंग के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है, और इसी के कारण ललन सिंह का कहना है कि खुलासे पर खुलासे किए जा रहे हैं और बिना सबूत के लगातार घेरने का प्रयास किया जा रहा है महागठबंधन सरकार को। अब देखना होगा कि इसमें हकीकत क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है जिससे कि ललन सिंह जो बातें कह रहे हैं उससे आगे निकल जाए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।